हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवगंज गुड लाइफ में। तो आज का जो व्लॉग है वो है, मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ खरीदने। और मैं क्या खरीदने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ खरीदने अपने लिए स्पेक्स। मेरी स्पेक्स की हालत ऐसी हो जाती है 20 दिन में 25 दिन में, महीना भर बहुत बड़ी बात है। ये अद्वीना मैं जब भी लगा के टीवी देखती हूँ या मोबाइल देखती हूँ ऐसे करके करती है, पहनती, इससे पहले मैं उससे छीनूं इससे पहले वो तोड़ देती है। तो अभी लास्ट मेरे पास बस ये बच रहा है चश्मा लगाने के लिए और इसे ही लगा के मेरा आजकल काम चल रहा है। वैसे मेरा मतलब परमानेंट नहीं है चश्मा, बट मुझे टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए या मैं हृदया को पढ़ा रही हूँ तो मुझे चाहिए होता है। तो फिर मैं अभी लास्ट टाइम जब मम्मा के पास गई थी, मुझे अपनी मम्मी के स्पेक्स बहुत अच्छे लगे। तो मैंने मम्मा से पूछा मम्मा कहाँ से लिए, तो उन्होंने बोला लेंसकार्ट से। और जब उन्होंने मुझे उसका प्राइस बताया तो मुझे बहुत रीजनेबल लगा, क्योंकि अभी तक मुझे लगता था कि लेंसकार्ट थोड़ी मतलब कॉस्टली है। और जब मेरे 15-20 दिन महीना भर ही चलना है, क्योंकि जब से अदवी हुई है मैंने स्पेक्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं खरीदे। मेरे को ये होता है कि जब टूट ही जाने हैं तो फिर, क्योंकि अभी अदवी बहुत छोटी है उसको क्या समझाऊँ ना, तो जब टूट ही जाना है तो किसी चीज़ में इतने पैसे क्यों लगाऊं मैं। लेकिन जब मुझे मम्मा ने बताया और मुझे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो दिल्ली में हमारे भी नियर बाय एक लेंसकार्ट का शोरूम है, तो आज मैं जा रही हूँ अपने लिए स्पेक्स खरीदने। तो अगर मुझे कोई मतलब अच्छा लगा और मेरे बजट में मुझे लगा तो मैं लेकर आऊँगी वहाँ से। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ लेंसकार्ट के शोरूम में और मैं फिर आपको आके दिखाऊँगी कि मैंने कितने स्पेक्स खरीदे और कितने अमाउंट में खरीदे, अगर खरीदे तो आप लोग चलेंगे ना मेरे साथ आगे। तो ये लेंसकार्ट का शोरूम वो रहा सामने, गाड़ी हमने यहीं पार्क कर दी थी, फिर हम लोग गए। तो गाइस जब हम पहुंचे अंदर शोरूम में तो सीरियसली इतने अच्छे अच्छे स्पेक्स थे, सनग्लासेस थे कि मन कर रहा था ये भी ले लूं वो भी ले लूं, बट आउट ऑफ बजट थे और मुझे लेना भी एक ही था, मैं सोच के यही गई थी। उसके बाद हमें पता चला कि अगर हम ऑनलाइन मेंबरशिप लेते हैं इसकी तो आई टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मैंने बोला कि चलो मैं एक बार दोबारा से आई टेस्ट करा लेती हूँ अपना, क्या पता कि मेरी आई साइड वीक कहीं ऐसा ना हो, बढ़ गई हो, क्योंकि मुझे हेडक हो रहा था 2 दिन से। तो मैंने चेक कराया तो मुझे पता लगा कि मेरी जो आई साइड है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। और फाइनली मैं इन दोनों में बहुत कंफ्यूज थी कौन सा लूँ, बट फिर मैंने ये वाला फाइनल करा और उसके बाद हमारा बन रहा है बिल। और वही सेम हम लेने गए थे एक, बट हमने खरीदे दो और एक दो मतलब ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं सोच रही थी कि मैं अब वो भी लूँगी, दोबारा से जाऊँगी। और उसके बाद आते टाइम हम लोग चले गए थे पार्क, क्योंकि हृदया का मन था। हम पार्क के सामने से निकले तो हृदया ने बोला मुझे पार्क जाना है, तो हम गए वहाँ पे, हृदया ने करी बहुत सारी मस्ती। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो उसके बाद एक बर्गर वाला है स्ट्रीट फूड, मतलब वो साइड में लगाता है अपना, उसका बर्गर मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर हम लोग वहाँ रुक गए क्योंकि मुझे बर्गर खाने का मन कर गया था। तो फिर हमने खाया बर्गर और हृदया को चाहिए थे गोलगप्पे, तो हृदया ने खाए गोलगप्पे और मज़ा आ गया। मतलब जिस काम के लिए हम घर से निकले थे अगर वो भी अच्छे से हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वही था कि हमने चश्मे भी ले लिए थे और एक तरीके से मतलब इंजॉय भी कर लिया था, हृदया पार्क भी घूम आई थी और हम लोग स्ट्रीट फूड मतलब जो हमारा फेवरेट था मेरा बर्गर, हृदया के गोलगप्पे वो भी हम लोगों ने खा लिए थे और अदवी भी बहुत खुश थी। तो अच्छा लगा कि हम करने जो काम गए थे वो भी हो गया और साथ ही साथ एक तरीके से हमारा वीकेंड हो गया, हमने बहुत इंजॉय करा, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे में। और ना लेंसकार्ट के जो वहाँ पे बंदा था जिसने हमें सारा बिल विल बनाया, उसने उसको हमने बोला था कि आप क्या हमारी डिलीवरी करा दोगे घर पे स्पेक्स की 2 दिन बाद के लिए, उन्होंने बोला था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा, आपको खुद लेकर आना पड़ेगा। तो वो हमारे पास ऑनलाइन अपडेट आ गई थी आज, तो मेरे स्पेक्स आ गए हैं और बहुत मस्त थे स्पेक्स, मैं अब लगा रही हूँ, आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में शायद दिख जाए। और ये मेरा बर्गर हो गया है रेडी, बहुत यम था, और ये हृदया खा रही है गोलगप्पे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब देवगंज गुड लाइफ। तब तक के लिए बाय।